हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है वेनसडे और हमारा आज का ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम ब्रेकफास्ट बनाने वाले हैं और आज ब्रेकफास्ट में हम बनाएंगे सैंडविच। उसके लिए हमने आलू को उबलने के लिए रख दिया था। आलू उबल गए हैं और अब हम कुकर से आलू को निकालेंगे और इनको ठंडा होने देंगे। फिर इनको छीलकर इनका हम मैश करके इनका भरता बनाएंगे, आलू का भरता बनाएंगे और फिर सैंडविच बनाएंगे। और फ्रेंड्स, आज मैंने साड़ी पहनी हुई है। देखिए, ग्रीन कलर की आज मैंने साड़ी पहनी हुई है। कभी कभी साड़ी पहनो तो अच्छा लगता है। तो अब हम आलू को छीलेंगे, क्योंकि आजकल आलू ऐसा आ रहा है ना कि ठंडा हो जाता है तो फिर छीलता नहीं है ठीक से। तो अब हम आलू को छील लेंगे पहले। और आलू को हमने छील लिया है, अब इनको हम फोड़ेंगे। और हरा धनिया और हरा मिर्चा हमने काट लिया है, साथ में इसके पहले ही काट लिया। तो आलू अभी गर्म है, क्योंकि मुझे हाथ में ठंडा गर्म लग रहा है, सॉरी ठंडा मैं बोल रही हूँ, गर्म लग रहा है। लेकिन ठंडा हो जाता है ना, तो ठंडी की वजह से ये आलू अजीब सा हो जाता है ना, फूटता नहीं। तो इसको गरम गरम फोड़ो तभी ठीक रहता है, नहीं तो अच्छे से भरता तैयार नहीं होता है। और तब तक हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। आलू को फोड़ दिया है मैंने, अब ये ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से मैश हो जाएगा बाद में। और फिर इसमें हम नमक मिलाएंगे। अभी हमने नमक नहीं मिलाया है, इसमें सिर्फ हरे धनिया और मिर्चा डाली है, नमक नहीं मिलाया है। और अब हम चाय को बनने के लिए रख देते हैं। पहले चाय को हमने बनने के लिए रख दिया है, चाय बन रही है। और अब मैं सैंडविच बनाऊंगी। और ब्रेड में मैंने आलू को भर लिया है और अब हम सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। तो तवे को हम गरम करेंगे, उसके ऊपर हम डालेंगे बटर, फिर हम सैंडविच जो हमने ब्रेड में भर के रखी थी वो हम रख कर सेक देंगे। अब तक हम प्लेटफॉर्म को भी खाली कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान फैल जाता है, तो हम यहाँ पर भी पूरा खाली कर लेते हैं। तो देखिए, सैंडविच बनके तैयार हो गया है और मैंने इसको बिल्कुल धीमी आंच पर सेका है, क्योंकि धीमी आंच पर बहुत ही क्रंची बनेगा। अगर हम तवे पर बना रहे हैं सैंडविच तो इसको हम धीमी आंच पर ही सेकें, और अगर हम इसको सैंडविच मेकर में बना दें तो अपने आप ही ऑटोमेटिक होता है, वो तो अपने आप ही बन जाता है। लेकिन अगर हम तवे पर बना दें तो इसको धीमी आँच पर ही बनाएं तो बहुत ही क्रंची बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। और चाय बन गई है और अब हमने सैंडविच को प्लेट में निकाल दिया है। और अभी कुछ बोल रहे हैं, अभी आ गए हैं, कुछ बोल रहे हैं उठ के। तो अब हम इसको कट करेंगे और सॉस के साथ इसको सर्व करेंगे। चाय को भी छान लेते हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बस यही होता है, समझ नहीं आता ना डेली डेली क्या बनाओ। यही सभी लेडीज की प्रॉब्लम होती है कि क्या बनाए क्या बनाए। और हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था, हम प्लेटफॉर्म को पूरा साफ़ कर लेंगे। गैस को भी मैंने पूरा साफ़ कर दिया, बर्तन मैंने सब साइड में रख दिया है, सिंक में डाल दिया है, क्योंकि अभी आंटी आएंगी तो वो बर्तन को धुलेंगी, तो बर्तन को मैंने साइड में रख दिया है पूरा। और अब हम जाएंगे रूम में, रूम में भी सारा सामान फैला हुआ है तो वहाँ भी सब समेट। और इनको देखिए, अभी को उठ गए हैं, ब्रश करके नाश्ता करके फिर से लेट गए, क्योंकि ये बेड पर अगर बिस्तर पड़ा है, कंबल रजाई पड़ी है तो लेटने का मन करता है ना। तो अभी भी लेट के टीवी देख रहे हैं अपना कार्टून आराम से। और मैं यहाँ पे पूरा पहले बेड को खाली कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़ा यहाँ फैला हुआ है, तो हम पहले पूरा बेड को खाली करेंगे। और इनको उठा रहे हैं, ये उठ नहीं रहे हैं। सबसे ज्यादा मस्ती तो अभी की हो रही है। बेडरूम में इतना ज्यादा सामान फैल जाता है ना, क्या बताएं, सुबह बहुत टाइम लगता है पूरा समेटने में। घर में छोटे बच्चे हैं तो कहने ही क्या, बहुत सामान फैलता है घर में। और अभी को अभी हमें नहलाना भी है, पानी को हमने गर्म होने के लिए लगा दिया है। और यहाँ से करने के बाद हम सबसे पहले अभी को नहलाएंगे, उसके बाद फिर कोई और काम करेंगे।
यहाँ पर ये अपना काम कर रहे थे, लैपटॉप वगैरह सब फैला के बुक्स लैपटॉप्स अब पड़ी हुई, अब इन सबको भी समेटेंगे। और अभी तक आंटी नहीं आई हैं तो मुझे लगता है लेट आएंगी, तो एक बार हम झाड़ू लगा देते हैं ऐसे ही, फिर वो अपना आके करेंगी ठीक से, पूरा झाड़ू वाड़ू लगाएंगी। और भी हम सिंपल सी ऐसे ही लगा देते हैं एक बार झाड़ू। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर मैं धुल रही हूँ डस्टबिन कि ये किचन वाला डस्टबिन है तो ये गंदा हो गया था, तो मैं अब इसको धुल के रख देती हूँ। अभी धूप है तो धूप में सूख जाएगा ये, तो इसको धुल के हम हटा देते हैं अलग, सूख जाएगा। फिर इसके अंदर पॉलीथीन लगा कर हम फिर कूड़ा रखेंगे, ऐसे नहीं रखते हैं कूड़ा, पॉलीथीन लगा देते हैं पहले डस्टबिन में तब रखते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ 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 वीडियो को एंड तक देखिएगा आप लोग, आप लोग बीच में ही वीडियो को छोड़ देते हैं, पूरा नहीं देखते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करिए।